समाचार एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। राजस्थान में आज इन दिग्गजों के भाग्य का हो रहा है फैसला। बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग आज करवाई जा रही है। सूखे की मुख्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं इस चरण में कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। आइए आपको बताते हैं कौन है वे नेता जिनकी पहले चरण में दांव पर लगी है किस्मत। जोधपुर लोकसभा सीट के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह, जोधपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं और इस सीट पर राजपूतों का दबदबा है। बीजेपी ने इस बार भी उन्हीं पर भाग्य आजमाया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। बाबुल सुप्रियो की कार में तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के 8 लोकसभा क्षेत्रों में सोमवार को चौथे चरण के मतदान का कराया जा रहा है। इस बीच सूबे के आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। वहीं आसनसोल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो की कार को टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार टीएमसी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच आसनसोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 199 नंबर के बूथ पर झड़प हुई है। इस मामले को लेकर पोलिंग बूथ एजेंट का कहना है कि बीजेपी का कोई भी एजेंट पोलिंग बूथ पे नहीं है, बल्कि पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो की कार को क्षतिग्रस्त किया गया। आसनसोल में वोटिंग के दौरान झड़प। कन्नौज में कई जगह ईवीएम पर गड़बड़ी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों के 72 संसदीय क्षेत्रों से 971 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें महाराष्ट्र की 17, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, पश्चिम बंगाल की 8, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, राजस्थान की 13 और अंतरनाग निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा शामिल है। सत्तारूढ़ भाजपा एवं उनके सहयोगी के लिए इस चरण में चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि वर्ष 2014 में उसे इन 72 में से 56 सीटों पर जीत हासिल हुई। भाजपा प्रत्याशियों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुभाष भामरे, एसएस अहलूवालिया और बाबुल सुप्रियो की साख दांव पर लगी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद एवं अधीर रंजन चौधरी भी ताल ठोक रहे हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।